रूप ये सब तभी तक हैं जब तक अपने आप को आपने शरीर मान रखा है। जब आप अपने आप को शरीर नहीं मानोगे, लेकिन छाप इतनी गहरी हो चुकी, आदमी पुरुष अपने को पुरुष मान चुका है, महिला अपने को महिला मान चुकी है, और शब्दों में भी मैं थी मैं था, इस प्रकार के शब्द की पता लगे कि महिला है या पुरुष है, कि मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ, शरीरों से इतने ज़्यादा लिपट गए हम, इतने ज़्यादा लिपट गए कि कुछ भी नहीं देख पा रहे और ना इनको छोड़ पा रहे। तो इस संसार के अंदर संतों ने जो रास्ता दिखाया वो शब्द का मार्ग है, और इस शरीर से ऊपर उठने का मार्ग है। अगर हम इस शरीर को नहीं छोड़ पाए, मन के साथ साधना के साथ अगर हम इस शरीर से ऊपर नहीं उठ पाए, अगर हम इस मन को नहीं तोड़ पाए, तो कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि साधक लोग, बहुत पहले की बात है, अब भी लोग आते हैं मेरे पास, पीछे करीब 6 वर्ष पहले हमारे पास साधक आते थे, उन्होंने कहा कि आदेश हुआ है। मैंने कहा किसका? कि जी आपका। मैंने कहा मैं तो कहीं गया नहीं, सब लोग यहाँ साक्षी हैं। उन्होंने कहा ये नहीं समझेंगे, रहस्य मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा है, मेरा समय आ चुका है, मैं 26 दिन बाद इस धरती से चला जाऊंगा। ये मैंने कहा क्या जल्दी है? उन्होंने कहा ये तो आपको पता है, बस ये आदेश हुआ है कि अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा, इस तारीख को ले करके जाएंगे। मैं देखना चाहता था कि उसका भाव कितना मजबूत है, वो शब्द के ऊपर इतना पकड़ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उन्होंने शब्द के ऊपर इतनी मजबूत पकड़ की, इतनी मजबूत पकड़ की कि उन्होंने जाने से 1 घंटा पहले सब तैयारियां कर दी, वस्त्र सिलवा दिए, स्नान किया, दंडवत प्रणाम किया इधर मुंह करके कि आपकी कृपा है आप स्वीकार करो। कुछ लोगों को भी बोला उन्होंने कि आओ देखो साधक कैसे शरीर छोड़ देते हैं, बिना मोह के बिना कष्ट के कैसे शरीर छोड़ देते हैं। बैठा और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। घर वाले मजाक समझ रहे थे कि ये तो ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं, ऐसे थोड़ी ना कोई जाता है, ऐसे कौन मरता है, और वो भी बताकर कैसे कौन मरने देगा इसको। घर वाले सोच रहे कहीं आत्महत्या ना कर ले, उनका ये प्रयास, लेकिन उसकी सोच कुछ और थी, उनकी सोच कुछ और थी। फिर पछताए क्या हो, रोते रहे चिल्लाते रहे। 13वीं के बाद आए मेरे पास, जब हम हर रोज मिलते थे, कि जी वो तो चले गए। मैंने कहा क्या बोला? उन्होंने कहा कि मेरा गुरुजी को प्रणाम बोलना और बोलना मैं आपके पास आ रहा हूँ, स्वीकार कर लेना। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है स्वीकार करने का, वो पूर्ण गुरु आए होंगे परमात्मा उन्हें लेने के लिए, और उनका ही वो आदेश था। वो रूप ले करके आते रहते हैं, जीवों का कल्याण करते रहते हैं,
उनको भाव से पार उतारते रहते हैं, तो इस प्रकार से जीवन मुक्त हो जाते हैं। जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलते तब तक कुछ गुरुओं के आदेश भी मुझे ध्यान आ रहा है। एक ने आ करके मुझे कहा, साधक ने, कि जी मेरा समय आ चुका है। मैंने कहा, कैसे? कि मेरे गुरु ने ये बोला था कि एक साल का और समय है, बस ये पूरा हो जाए, तुम्हारा इतना ही समय बाकी है। कि जी कुछ दिन ही बकाया है। मैंने कहा, देखते हैं, विचार करते हैं। उस जीव की साधना पूरी नहीं हुई थी, साधना शुरू भी नहीं हुई थी, शुरुआती दौर चल रहा था, वो अपने प्रयास में लगा हुआ था। मैंने सोचा कि अगर ये जीव चला गया तो इसकी साधना पूरी नहीं होगी, और जब ये साधना पूरी अगर नहीं हुई तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर क्या पता गुरु मिले ना मिले, जीवन मुक्त हो ना हो, इसे साधना के मार्ग पर चला देते हैं। फिर वो दो दिन पहले आया कि जी थोड़ा भय चेहरे के ऊपर, कि जी समय आ गया, बाबा जी ने बोला था, शब्द कटते नहीं उनके। मैंने कहा, सबका अपना शब्द होता है, सबके शब्द की सीमाएं होती हैं, सबके शब्द में उनकी चढ़ाई की साधना की ताकत होती है। जब उनसे ऊंची श्रेणी का कोई शब्द होगा वो उस शब्द को तोड़ देगा, नहीं तो कोई नहीं तोड़ पाएगा, रुक नहीं पाएगा। मैंने कहा, सोच लेना, विचार कर लेना, बता देना। उन्होंने कहा, अब तो आप ही देख लेना। मैंने कहा, मैंने क्या देखना है, देखना तो उस परमात्मा ने है जिसके हम शिष्य हैं, वही देखेंगे, वही करने वाले हैं, और वो नहीं जाने देंगे, क्योंकि शब्द के अंदर भी जगह होती है और शब्द को तोड़ना बड़ा मुश्किल।